Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, Satyo. Here I am, Mrs. Anila Imran, and you are watching UV Educational Center. Satyo, aaj hamare saath hai poem The Painter. Ye ek surprising poem aapke liye leke aa gaye hain. Lekin aapko batana ye hai ki The Painter, in fact, John Ashbery ki likhi hui poem hai aur American Literature, jo masters kar rahe hain Punjab University se, unke syllabus mein bhi shamil hai. मगर आपको इसका टेक्स्ट नहीं आएगा, ये याद रखिएगा. आपने इसके टेक्स्ट से कोट लाइन उठानी है और इन लाइंस को कोटेशन के तौर पर यूज करना है. आपको इसकी समरी बहुत अच्छी आनी चाहिए और इसके थीम पर आपकी नजर होनी चाहिए, इमेजेस और सिंबल्स आपको क्लियर होने चाहिए. जॉन एशबी की पोइम को डिस्कस करते हैं. एज हमने इसका क्रिटिकल एवेल्युएशन कर लिया करंट नोट से. सिटिंग बिटवीन द सी एंड द बिल्डिंग्स, कौन बैठा हुआ है? ये हमारे शायर हैं जो बता रहे हैं कि पेंटर बैठा हुआ है बिल्डिंग्स और समुंदर के दरमियान में. ही एंजॉयड पेंटिंग द सी पोर्ट्रेट, और बड़ा ही खुश है और वो सी का एक तस्वीर कशी करना चाह रहा है, पोर्ट्रेट करना चाह रहा है, उसको पेंट करना चाह रहा है अपने कैनवस पे. बट जस्ट एज अ चाइल्ड इमेजिन ए प्रेयर, लेकिन वे बच्चे की तरह दुआ कर रहा है. इज मियरली साइलेंस, और तकरीबन हर तरफ खामोशी छाई हुई है. ही एक्सपेक्टेड, वो तवक्का करता है इस सब्जेक्ट के, उसका ये जो मौजू है, मजमून है, ये सी का जो टॉपिक है, टू रश अप द सैंड, जल्दी से आए भागता हुआ इस सैंड में से. एंड सीजिंग अ ब्रश, और उसके ब्रश को रोक डाले. प्लास्टर इट्स ओन पोर्ट्रेट ऑन द कैनवस, जब वो पानी और रेत मिक्स हो जाती है तो वो एक प्लास्टर सा बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है. कहते हैं वो मिक्सचर आए और आके मेरे कैनवस पे बजाते खुद पोर्ट्रेट अपना पेश करते. चले जी, सेकंड स्टैंजा में क्या बात कर रहे हैं. सो देयर वाज नेवर एनी पेंट ऑन हिज कैनवस, अभी तक उसके कैनवस पे कोई पेंट है ही नहीं, क्योंकि वो दुआ ही कर रहा है बैठ के. अंटिल द पीपल हु लिव्ड इन द बिल्डिंग्स, लोग जो उधर बिल्डिंग्स में पीछे रहते हैं, उन्होंने देखा नीचे ये बंदा बैठा हुआ है दरिया के किनारे, सी के किनारे, और कुछ करना चाह रहा है. पुट हिम टू वर्क, तो उन्होंने उसे काम पे लगा दिया. क्या कहते हैं, ट्राई यूजिंग द ब्रश, चलो जी इस्तेमाल करो अपने ब्रश को. एज अ मीन ऑफ एन एंड, कि तुम्हारे ब्रश ने एक एंड कर दिया है, एक अख्ताम दे दिया है. सिलेक्ट फॉर अ पोर्ट्रेट, तुमने जो एक पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर लिया कि जनाब तुमने सी की तस्वीर बनानी है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट पोर्ट्रेट है, तो तुम्हें ये नहीं चुनना. चुनो समथिंग लेस एंग्री एंड लार्ज, ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो कि कुछ ज्यादा गहराइयों में ना हो और इतना ज्यादा वसी भी ना हो. लेस एंग्री, उसकी गहराई थोड़ी कम हो, उसकी वसत थोड़ी कम हो. एंड मोर सब्जेक्ट्स, और दूसरा कोई सब्जेक्ट लो. टू पेंट्स मूड्स, जो पेंटर्स के मूड्स के हिसाब से होता है. टू पेंटर्स मूड, पेंटर्स के मूड के हिसाब से होता है. और परहैप्स टू अ प्रेयर, और यहाँ बस फिर दुआओं में ही हो सकता है ऐसा. लोग उसे मशवरा दे रही हैं, सोसाइटी उसे क्रिटिसाइज कर रही है कि ये जो तुमने सी का पोर्ट्रेट चुन लिया है, इससे बेहतर है कोई और पोर्ट्रेट चुनो. हाउ कुड ही एक्सप्लेन टू देम हिज प्रेयर, वो कैसे उन्हें अपनी दुआएं बताए. द डैट नेचर, के ये जो नेचर है, नॉट आर्ट, नहीं आर्ट नहीं है. माइट यूजरप्स द कैनवस, ये वो नेचर को पेंट करना चाहता है, आर्ट को पेंट करना नहीं चाहता. जो आए और कैनवस पे गजबनाक हो जाए, यूजरप होता है गजबनाक हो जाए, कैनवस को आके भर दे. ही चोज, उसने चुन लिया हिज वाइफ, अपनी बीवी को, चलो छोड़ो जी समंदर के नहीं बनाता, लोगों से हमें फसादात हो रहे हैं. ही चोज हिज वाइफ, अपनी बेगम के पोर्ट्रेट को बनाने लगा. फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, और नए मौजू के तौर पर उसने चुन लिया. मेकिंग हर वर्स, उसने उसे बड़ा वसी बनाया. लाइक रूइन बिल्डिंग्स, जैसे कि तबाहशुदा बिल्डिंग्स हैं, ऐसे उसे लगे कि ये कोई जो है ना तबाह की हुई पेंटिंग है, इसमें मेरी इमेजिनेशन शामिल नहीं हो रही. एज इफ फॉर गेटिंग इट सेल्फ द पोर्ट्रेट, तो फिर उसने क्या किया, भूलना शुरू कर दिया उसके वजूद को, इट सेल्फ कैनवस के पेंटिंग के वजूद को भूलना शुरू कर दिया. द पोर्ट्रेट जो था, हैड एक्सप्रेस्ड इट सेल्फ विदाउट अ ब्रश, तो उसने इसमें कुछ नहीं बना सका, विदाउट अ ब्रश कोई पेंट नहीं कर सका, कुछ अपने तासुरात शामिल नहीं कर सका. स्लाइटली अस्तगी से इनकर्ज्ड, फिर अब वो अपनी हिम्मत बंधाता है. ही डिप्ड हिज ब्रश, अपने ब्रश को फिर डुबो लेता है पेंट में, इन द सी. और पेंट अब किसका बनाना है उसने, सी का. मर्मरिंग अ हार्टफेल्ट प्रेयर, और फिर वो दिल में बड़बड़ाता है, अपने दिल की एक दुआ करता है. माई सोल, ए मेरे दिल, व्हेन आई पेंट दिस नेक्स्ट पोर्ट्रेट, लेट इट बी यू. यू कौन है, सी. ये सी को कह रहा है कि जब मैं नेक्स्ट तस्वीर बनाऊं तो सी ये तुम हो. हु रैक द कैनवस, तुम आओ और इस कैनवस को, जिसे कहते हैं ना रैक करके रख दो, जिसे कहते हैं ना तोड़ तूड़ के रख दो मेरे इस कैनवस को. द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू द बिल्डिंग्स, पूरी बिल्डिंग्स में ये खबर फैल गई, हर तरफ खबर फैल गई अच्छी तरह से कि जनाब जी
पेंटर ने फिर सी की पेंटिंग बनाने शुरू कर दी है। लोगों में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ही हैड गॉन बैक टू द सी फॉर हिज सब्जेक्ट। लोगों ने भी फिर बातें करनी शुरू कर दी, अपने सब्जेक्ट को उसने फिर सी पे बना लिया। बेगम के सब्जेक्ट के उड़ से चेंज होके फिर सी के सब्जेक्ट पे आ गया। इमेजिन, अब तसव्वुर करें, अ पेंटर क्रूसीफाइड बाय हिज सब्जेक्ट। एक पेंटर, एक आर्टिस्ट ने अपने मौजू को कुर्बान कर दिया। टू एग्जॉस्टेड, फिर थक गया। इवन टू लिफ्ट हिज ब्रश, कि अपना ब्रश ही उठा सके, इतना थक गया कि अपना ब्रश भी नहीं उठा पा रहा। ही प्रोवोक्ड सम आर्टिस्ट्स, और कुछ जो आर्टिस्ट थे वो उसे उकसाते रहे। लीनिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, ऐसे झुक झुक के बिल्डिंग से देखते थे और उसे उकसाते थे। हाय ये क्या कर रहे हो, हाय ये क्या बना रहे हो, इसकी लाइन इधर जानी है, इसकी लाइन इधर जानी है, और फिर उसे गुस्सा दिलाते रहे। द मलिशियस मिर्थ, इसके अंदर बदनीति की खुशी शामिल थी। वी हैव अ प्रेयर, वी हैव अ प्रेयर। अब ये जो उसके कॉन्ट्रेरी थे ना, वो कहते हैं हम तो ऐसी दुआ ही नहीं कर सकते। नाउ पुटिंग अवर सेल फोन कैनवस के, और जनाब आए और आगे खुद महूदी से पेंट सी जनाब पेंट हो जाए कैनवस पे, ऐसी दुआ तो हो ही नहीं सकती। और गेटिंग द सी टू सिट फॉर अ पोर्ट्रेट, और सी आए और बैठ जाए कैनवस के ऊपर, खुद ही बन जाए। इतना मुश्किल सब्जेक्ट, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये जो तुमने चुन लिया है ये किसी काम का नहीं है। लोग कंटेम्प्रेरी उसको बातें कर रहे हैं अब, और उसमें उनकी बदनीयति शामिल है कि अगर ये कुछ कर जाएगा तो ये नाम कमा जाएगा। अदर्स डिक्लेयर्ड, दूसरों ने ऐलान कर दिया, इट अ सेल्फ पोर्ट्रेट, उन्होंने कहा कि ये तो अपने आप को ही बनाना चाह रहा है, शायद अपनी ही जिंदगी दिखाना चाह रहा है, जिंदगी से मुमासलत ली, सी की, कैनवस की, कैनवस में उतार चढ़ाव भी दिखाए। फाइनली ऑल इंडिकेशंस ऑफ अ सब्जेक्ट, सारे जो इशारे मिल रहे थे ना एक मौजू के लिए, बिगेन टू फेड, सब के सब मद्दम होना शुरू हो गए। लीविंग द कैनवस परफेक्टली वाइट, उसने मुकम्मल सफेद अपने कैनवस को छोड़ दिया। ही पुट डाउन द ब्रश, नीचे उसने ब्रश रख लिया। लोगों के ताने और उनके लाम ताम से तंग आकर, एट वंस ही हाउल, और एकदम से वो चिंघारा। डैट वॉज ऑल्सो अ प्रेयर, ये भी तो उसकी एक दुआ ही थी, हाउल चिंघारा, और वो भी दुआ भी थी उसकी। रोज फ्रॉम द आवर क्राउडेड बिल्डिंग्स, और ये हुआ सारे बिल्डिंग से इधर उधर लोगों ने जो ना आके उसको जमा कर लिया, मजमा जमा हो गया, और उस मजमे में सारे के सारों ने उसको देखा, और उसने फिर दुआ की और एक चिंघारा। They toasted him. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको उछाल के नीचे फेंक दिया। किसको? द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट को उछाला बिल्डिंग के ऊपर से और नीचे घुमा के फेंक दिया। फ्रॉम द टॉलेस्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि बड़ी तवील, बड़ी बुलंदी वाली बिल्डिंग्स थी, और वो पेंटिंग को उन्होंने नीचे फेंका उसका दिल तोड़ने के लिए, उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए, और वो हिम्मत पहले ही हार चुका था। And the sea devoured the canvas. और सी ने क्या किया, कैनवस को हड़प कर लिया। जो ही वो कैनवस गिरा, खाली कपड़ा ही तो था, कैनवस क्या होता है, एक मोटा कपड़ा होता है जिसपे पेंटिंग की जाती है, और ऊपर से अगर फेंको तो हवा के जोर से, वो हवा के प्रेशर से आगे जा सकते, और वो चला गया सी के अंदर। एंड द ब्रश, और जो जो ब्रश था, एज तो अगर चाहे सब्जेक्ट, उसका मौजू है डिसाइडेड टू रिमेन अ प्रेयर, तो उसका मौजू एक दुआ ही बनकर रह गया। बताया इसमें ये क्या कि उसने हिम्मत हार दी, माशरे ने उसकी हिम्मत तोड़ दी, सोसाइटी ने उसकी हिम्मत नहीं बंधाई है। और कहते तो ये है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कि जनाब पेंटर ने भी बसाते खुद सी में ही छलांग लगा दी थी, लेकिन हमें लाइंस से कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, लेकिन वो जब चिंघारा है तो मे बी वो अपने जब पेंटिंग उन्होंने ऊपर से गिराई है, उसे पकड़ने के लिए भागा है सी की तरफ और सी में डूब गया। क्यों? अब वो अपने पेंटिंग को बचाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल एंड सी द लिंक्स व्हिच आर कमिंग ऑन द स्क्रीन नाउ, और कमेंट करते रहें, आपके कमेंट से हमें एक हदायत मिलती है कि आगे हमें किस तरफ को जाना है। अल्लाह हाफिज़।